आप सभी को नमस्कार। आज हम करंट अफेयर्स शुरू करेंगे 1 फरवरी 2023 के। जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ आंसर्स प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन, जो जो चीज़ें भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस बिगिंस इन, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस इन में से किस सिटी के अंदर हुई है। तो देखिए, जो ये जो अभी 30th, ये 30वें नंबर की नेशनल चाइल्ड कांग्रेस थी जो 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अहमदाबाद में की गई थी। तो सवाल आपको पता होना चाहिए कि कितनेवें नंबर की थी, ये 30वें नंबर की थी और ये कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज दी थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में तीसरी इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरपोल का सवाल है। तो ये जो आपका इंटरपोल की जो ये प्रोग्राम था, इसे जो है स्टार्ट किया गया था नई दिल्ली के अंदर और इसकी जो थीम थी वो थी ट्रस्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए किस सिटी में हुआ, तो सिटी का नाम था हमारी न्यू दिल्ली और इसकी थीम क्या थी, ट्रस्ट थी। अगर हम थोड़ा इंटरपोल के बारे में जानें तो इंटरपोल की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किसी देश की एक पुलिस होती है, ठीक है, जैसे हमारे देश में राज्य की है, फिर हमारे पूरी अगर पुलिस को मिला देंगे तो हमारे पूरे देश की पुलिस हो जाएगी, उसी प्रकार से ये पूरी दुनिया की एक पुलिस है। अगर कभी भी कोई व्यक्ति अगर हमारे देश से भाग जाता है, किसी भी देश से भाग जाता है, तो इंटरपोल वहाँ पर रेड कॉर्नर इशू कर देती है और उस बंदे को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 7 सितंबर 1923 में। इसकी जो मेंबर कंट्री हैं वो 195 हैं और इसका आपको जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस में मिलेगा, लियोन नाम की जगह में। तो इंटरपोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के साथ साथ हमने इसका एक स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना था कि इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई है, कितने मेंबर्स हैं, 195 मेंबर्स हैं और फ्रांस का शहर लियोन के अंदर ये हुआ है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, सेंटर इम्बार्क्स ऑन डैश प्लेटफॉर्म ऑन डिजिटाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम। टीकाकरण के कार्यक्रम को डिजिटलाइज करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया। अगर आपको पता होगा तो जब आप कोविड की वैक्सीन वगैरह लगवाने के लिए जाते हैं तो उस ऐप का नाम होता है कोविन। और एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया था सेंटर गवर्नमेंट ने, जिसमें आप कभी भी अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अभी सरकार ने इसको शुरुआत करा है और इसका नाम है यूविन। तो यूविन जो प्लेटफॉर्म है, ये कोविड 19 का जो प्लेटफॉर्म था कोविन, उसी के साथ से ही मिलता जुलता है, वैसे ही ये होगा। तो अभी फ़िलहाल के अंदर इसके अंदर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जब उनका डिलीवरी होगी, उनके बच्चे के जितनी भी टीकाकरण होगा या उसका लेडी का जो टीकाकरण होगा, उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे जाएंगे। तो यूविन नाम की एप्लीकेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज लॉन्च डैश विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट मेड इन इंडिया नेसल वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने डैश लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला मेड इन इंडिया नेसल वैक्सीन है। ये कोविड के लिए वैक्सीन है और इसका नाम क्या है, इनकोवैक। क्या नाम है इसका, इनकोवैक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकोवैक। और इसे किसने बनाया, तो हैदराबाद बेसिक कंपनीज का नाम क्या है, भारत बायोटेक। तो इसने इसको बनाया है और इसका नाम क्या है, इनकोवैक, ठीक है। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, मनसुख मांडविया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है
उसने भी अपनी जजमेंट में ये कहा कि जो जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होंगी उनको चार भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा। अभी फ़िलहाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये बात कही अपनी जजमेंट देते समय, बात बोलते समय, कि भारत ने 99% जनता इसको नहीं समझ पाती है ठीक से, ये उन्होंने कहा अपने संबोधन के अंदर। तो जो चार भाषाएं हैं वो भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो वो भाषाएं हैं हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। और ये हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धननन हमारे चंद्रचूड़। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चार भाषाएं हैं हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। तो इसके अंदर अब से जो है आपका किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा जो जजमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट की। और इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है आपको पता होना चाहिए, उस कमेटी के हेड का नाम है अभय ओखा, जस्टिस अभय ओखा ये इनके हेड हैं इस कमेटी के, जो इस कमेटी को देखेगी कि लैंग्वेज में कैसे अब करेंगे, किस सॉफ्टवेयर से करेंगे, क्या करेंगे। तो हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सवाल है 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम था, टेनिस का टूर्नामेंट था जो मेलबर्न में खेला गया, उसका कितनेवें नंबर का एडिशन था जो अभी मेलबर्न में हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये है हमारा 111वां एडिशन। कितना एडिशन है, 111वां एडिशन है। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब करेगी, तो 1905 में इसकी करी गई थी। और कभी कभार पूछ सकते हैं कि अभी तक सबसे सफल खिलाड़ी कौन सा है ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर। तो अगर हम मेन की बात करते हैं तो इसमें नोवाक जोकोविक हैं, और अगर हम लड़कियों की बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, तो मैग्रेटा कोट हैं। ठीक है जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 16 से 29 जनवरी को हुआ था और अब ये ख़त्म हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस किस ने जीता। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन लड़कों में तो जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने किसको हराया है, स्टेफनोस को हराया है। ठीक है जी, अगर हम लड़कियों की बात करते हैं, वुमेन्स की बात करते हैं, तो वुमेन्स में किसने जीता है इसको, आयरन ने जीता है, और इन्होंने किसको हराया है, एलिना रेबिकिना को इन्होंने हराया है। अब आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो नोवाक जोकोविक है इन्होंने ही अपना दूसरा ये जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अभी तक ये सबसे सफल खिलाड़ी हैं, और अब इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए टोटल में, जो चारों ग्रैंड स्लैम है 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, और इन्होंने राफेल नडाल की क्या कर ली है, बराबरी। तो राफेल नडाल के पास भी अभी 22 ग्रैंड स्लैम्स हैं और नोवाक जोकोविक के पास भी 22 ग्रैंड स्लैम है। और वहीं बात करें अगर मेंस डबल की, तो इसको जीता है रिंकी एंड जैसोन ने, और वुमेन्स की बात करेंगे तो बारबोरा और आपका कैटरीना, तो इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल में और मेंस डबल में। तो ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का, जिसका 111वां एडिशन अभी हुआ था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डैश ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च ए मैसिव डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकेत 2.0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, तो आपसे पूछ रहे हैं ऑप्शन से हमारे पास SBI, RBI, EPFO और SEBI। तो जिसका राइट आंसर है वो है EPFO। ठीक है जी, EPFO। अब EPFO क्या करता है, इससे इसकी फुल फॉर्म में आपको पता चल जाएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सन 1952 में इसको बनाया गया था, 1952 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली के अंदर मिलेगा और इनके हेड का नाम क्या है, नीलम एस राव। ठीक है जी, तो ये अभी जो चालू करा गया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के द्वारा, निधि आपके निकात। ठीक है जी, और अगर हम बात करें ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है हमारी लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। तो हमारे जो लेबर मिनिस्टर है एम्प्लॉयमेंट के और इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव जी हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, प्लस इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइशल योए मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट एशियन बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर नॉमिनी फॉर हर रोल इन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, शी इज फ्रॉम विच कंट्री। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मिशेल योवा ये एक महिला हैं, और एशिया से पहली बार कोई महिला ऑस्कर के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक हुआ ही नहीं था ऐसा कि एशिया से कोई गई हो। एक सवाल आ सकता है कि जैसे मैंने सवाल बना रखा है कि कौन सी कंट्री से आती हैं, तो शी इज़ फ्रॉम मलेशिया। ठीक है जी, शी इज़ फ्रॉम मलेशिया।
और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछेगा कि वो किस मूवी के लिए उनको नॉमिनेट दिया गया, नॉमिनेशन दिया गया, तो उनकी मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये इनकी तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टू कमर्शलाइज वर्ल्ड फर्स्ट फोनोटिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। तो ये देश का नाम है कनाडा और कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तेजी से फैल रही येलो बैंड बीमारी डैश प्रबल विभूतियों को मार रही है। रैपिडली स्प्रेडिंग येलो बैंड डिसीज किलिंग डैश कोरल रीफ्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए, जो ये येलो बैंड डिसीज है, कोरल रीफ जो समुद्र के नीचे का, जो आप समझ लीजिए तरीके से जो जगहें हैं, उनको ख़त्म कर रही है। तो ये थाईलैंड के अंदर ऐसा देखने को मिला है। दिसंबर में इसकी शुरुआत हो गई थी और इसका अभी तक कोई भी नहीं है कुछ चीज़ मिली हो जिससे वो ठीक हो सके। ठीक है जी, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ओशन फ्लोर के अंदर। ठीक है जी, क्लाइमेट चेंज इन सब के कारण ये जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का इस पर इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द नेम ऑफ द मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन चेंज टू। आपको पता होगा जो मुगल गार्डन था राष्ट्रपति भवन का, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो उसका नाम क्या कर दिया गया है, उसका जो नाम कर दिया गया है वो कर दिया गया है अमृत गार्डन। आपको पता होगा अमृत उद्यान या अमृत गार्डन एक ही बात है, तो अमृत उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। साथ ही आपने एक और बात भी ध्यान देनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ कैंपस के अंदर भी एक मुगल गार्डन था जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, गौतम बुद्धा गार्डन में नाम भी इसका कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुगल गार्डन किस ईयर में डिजाइन हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन को आप एक चीज से समझिएगा कि मुगल गार्डन की जो शुरुआत है वो 1917 में हो गई थी, जब 1911 के अंदर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया भारत की, तब उसकी शुरुआत हो गई थी 1917 के अंदर। लेकिन ये 1929 तक ये काम चला था। ठीक है जी, तो 1917 में शुरुआत हो गई थी लेकिन 1929 में इसका काम खत्म हो गया था। तो मुगल गार्डन वॉज डिजाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो इट वॉज डिजाइंड इन द ईयर 1917, बट 1928 और 1929 के बीच में जो है जो फूलों की प्लांटिंग थी वो डन हो गई थी। और इसको किसने डिजाइन करा था, तो उस बंदे का नाम था एडविन ल्यूटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मॉन्यूमेंट्स विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर अंडर द स्मारक मित्रा स्कीम। स्मारक मित्रा योजना एक भारत सरकार की योजना है जिसके अंदर भारत सरकार फिलहाल अभी 1000 जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देगी, जिससे उसकी डेवलपमेंट, उसका जो रख रखाव है वो रखा जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आया वो कितना आ गया, 1000। ठीक है जी, और हमारे जो मिनिस्टर हैं टूरिज्म के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी साहब ना केवल टूरिज्म और कल्चर के मिनिस्टर हैं बल्कि ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के भी हमारे क्या हैं, मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMDC साइन अप निकात जरीन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर शीप प्लेस। NDMC ने निखात जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ी बॉक्सर हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत प्रमुख बॉक्सर हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस पेयर डाउन इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट बाय 20 बेसिक पॉइंट टू डैश परसेंट फॉर 2023 कैलेंडर ईयर। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की जो ग्रोथ की, जो विकास की दर है, उसको 20 बेसिक पॉइंट कम कर दिया और अब इस दर को कितना कर दिया गया है, और अब इस दर को कर दिया गया है 5.8%। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट जॉय बिडेन फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्नेमिस। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति को इस पोस्ट के लिए नामित करा है, तो इस व्यक्ति का नाम क्या है, तो इनकी फोटो आपके सामने है, इनका नाम है राजा जे चेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ डेबी हॉकी मेडल टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग फीमेल क्रिकेटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये सम्मानित किया जाएगा महिलाओं को, और ये देश का नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है जी, तो न्यूजीलैंड जो है अब अपनी महिलाओं क्रिकेटर को भी ये अवार्ड देगा। और आपको पता होगा कि अभी न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जसिंडा आर्डन, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, और जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, क्रिस हैपकिंस।
आई होप आपको ये करंट अफेयर्स समझ में आगे होंगे। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम लोगों ने अपने ख़त्म कर लिए। धन्यवाद।